चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुमत की सीटों पे लड़े, यानी मान के चलिए हम लोग 8 लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़े थे, तो 8 × 6 = 48, शायद चतरा और हजारीबाग में 5-5, यानी 46 सीटें तो हमारे अंडर आ ही रही हैं, तो उन 46 सीटों पे तो लड़ना ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे, तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में भी हम लोग जाएंगे, वहाँ हमारे वोटर्स हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। तो क्या आप लोग निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, देखिए दिल्ली इसी क्रम में गए थे, दिल्ली जाने का कार्य डेमोक्रेसी का स्कूल में भी शामिल होना था और चुनाव संबंधित इलेक्शन कमीशन से जानकारियों को भी लेना था, तो हमें लगता है 15 से 25 दिनों के दरमियान हमारी पार्टी का सिंबल भी अलॉटमेंट होने की संभावना बन जाएगी और पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो जाएगा। तो पहले इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद JNU, जी इस तरह के व्याख्यान का क्या अर्थ है कि जयराम राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी पहचान और शिनाख्त को बनाना चाहते हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य ये रहा कि जिन मंचों में मुझे अवसर मिला, मैंने वहाँ झारखंड की, मैंने तो आशा किया था कि संसद में झारखंड के विषयों को रखा जाएगा, लेकिन अगर संसद में जाने से हम लोग चूक गए तो कम से कम उन संस्थानों तक हमारे विषय जाने चाहिए जहाँ देश और राज्य के तमाम मुद्दों पर विचार और विमर्श किया जाता है, तो उसी उद्देश्य के साथ मैंने उन आमंत्रण को स्वीकार किया, चाहे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का मामला हो या फिर JNU का मामला हो, और साथ ही हम लोग वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गए थे, वहाँ के भी तमाम रिसर्च स्कॉलर से मिले जहाँ झारखंड के भी युवा हैं, तो वहाँ जाने का उद्देश्य यही था कि हम झारखंड के विषयों को उनसे साझा कर सकें और उन विषयों पर निदान कैसे हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी स्टडी क्या हो, उन विषयों पर बात करने के लिए। विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं तो आपका मुद्दा फिर क्या होगा? देखिए, विधानसभा का चुनाव राज्य के मुद्दों पर आएंगे, राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी छात्रों की निराशा है और छात्रों की जो हताशा है वो हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता जो रहेगा कि इस राज्य में नियमित परीक्षाएं होंगी और फ्री एंड फेयर एग्जाम लिए जाएंगे, अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसमें उच्च से उच्च पदाधिकारी क्यों ना है उन्हें बिल्कुल बर्खास्त किया जाएगा, उनके साथ किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। जयराम, पहली बार लड़े चुनाव, 8 लाख से ज़्यादा वोट आपके उम्मीदवारों को मिला है, आजसू पार्टी जो है वो अब एक तरह से अगले विधानसभा चुनाव तक का जो है रोड मैप उन्होंने जारी किया और उन्हीं इलाकों को वो फोकस कर रहे हैं जिन इलाकों में आपकी अच्छी खासी पैट रही, वोट आपको मिला है, तो आप कैसे देखते हैं आपके लिए क्या आजसू आज की तारीख में चुनौती है या है तो फिर कैसे निपटेंगे उससे? देखिए, मेरे लिए कोई एक विशेष दल हमारी चुनौती नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ से वोट लाए जहाँ से आजसू के अलावा बाकी पार्टियाँ थे, जैसे मैंने बेरमो से 53,000 वोट गेन किया, वो कांग्रेस की सीट है, पारंपरिक सीट है कांग्रेस की। मैंने टुंडी से भी 60,000 वोट लाए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है। मैंने डुमरी से 90,000 वोट लेकर आया हूँ, 90,000 मैंने है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पारंपरिक सीट है। तो ऐसा नहीं है किसी एक दल से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा की है और ये जो फिलहाल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे जनता कहीं ना कहीं कट रही है। हाँ, नो डाउट हमें समय लगेगा लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड की पॉलिटिक्स में हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे और एक बेहतर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में होंगे। अकेले लड़ेंगे आप? जी, फिलहाल हम लोग विधानसभा के चुनाव अकेले लड़ेंगे। जयराम जी, ये देखा गया चुनाव का राहुल गांधी से बात होता भी है कि नहीं? तो सबसे पहले देखिए, ठीक है, सुनने में आ रहा है कि इरफान दा मंत्रिमंडल संभालने जा रहे हैं, तो पहले उनको बधाई देते हैं और उनको कहेंगे कि थोड़ा सा ये जो कॉमेडी वाला बात करते हैं ना, देखिए इरफान दा नो डाउट उनको लोग इसीलिए फॉलो करके रखे हैं कि दिन भर का तनाव को मुक्त करें उनको सुन के, तो उनको बोलेंगे थोड़ा आप सीरियस पर्सन बनिए, अगर आप मंत्रिमंडल में जाने वाले हैं आलम के स्थान पर तो आपका विषय क्या होगा, अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको विषय देता हूँ, आपका सबसे पहला विषय होगा कि जामताड़ा को साइबर क्राइम के धब्बे से मुक्त कराइए, सबसे बड़ा विषय आपका होगा। आपका दूसरा विषय होगा कि जामताड़ा की स्थिति देखिएगा, जामताड़ा के 95% जो पेशेंट होते हैं वो धनबाद आते हैं इलाज करने के लिए और आप बतौलेबाजी करते हैं, आप रणधीर सिंह के साथ बतौलेबाजी करते हैं, तो कभी भानु प्रताप शाही से तो कभी निशिकांत दुबे से, ठीक है कटाक्ष कीजिए लेकिन जो जेन्युइन समस्या है, जो गंभीर समस्या, उन पर बात कीजिए, उन पर काम कीजिए, उन पे रोड मैप तैयार कीजिए, तो उनको हमारा ये संदेश रहेगा। अरे ठीक है, पहले आपका उनका सीट संकट में है, वो हमारे साथ आए। जयराम दा, इरफान दा तो यहाँ तक, इरफान अंसारी जी तो यहाँ तक बोल दिए कि आपकी दूसरी शादी हो गई है कहीं पे चुपके चुपके से। देखिए आप वो बोले थे मेरे वीडियो में, इसलिए मैंने आपसे पूछ दिया। नहीं ऐसा है, ये सब निराधार बातें हैं। शादी करके आपको लगता है कि कोई मतलब छुपके रह सकता है? ये आसान बात नहीं है। ऊपर से हम लोग को एक साल पॉलिटिक्स हुआ है भैया, इससे पहले मेरा पास्ट आपको मैं बताना चाहूँगा। एक प्रत्याशी जो संसद के चुनाव में लड़ रहे थे, उनकी एक टीम गई स्पेशल मेरे तोपचाची प्रखंड में और तोपचाची प्रखंड से लगभग 150 नौजवान जिनकी उम्र थी 25 से 30 साल, उनको इकट्ठा किया जो मेरे साथ खेलते कूदते थे और उनसे यही सवाल किया कि यार कोई अफेयर का मैटर बताओ ना। तो उन लोगों ने एक ही चीज़ कहा कि उस लड़के को हम लोग बचपन से जानते हैं, उसको दो ही जगह देखें, एक अपने गांव से बस में बैठकर कॉलेज जाना और दूसरा शाम को आके फुटबॉल खेलना, इसके अलावा उसको कहीं नहीं देखें।
तो ये चीज़ें भ्रामक हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। और होगा तो छुपके क्यों करना यार, बताइए ना समर भैया, प्रेम किसी ने प्रेम किया है तभी हम लोग का उत्पत्ति हुआ है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग खड़े हैं, अगर एक नर और नारी के बीच प्रेम हुआ है उनके मध्य, तभी हम लोग का सृजन हुआ है। तो प्रेम से मुकरना क्या, प्रेम से इनकार क्यों करना, प्रेम करने के लिए कोई मिले तो। उन्होंने खुलकर सहयोग किया है, समर्थन किया है, और नो डाउट वे भी झारखंड के एक लड़ाकू नेता रहे हैं, उनका धन्यवाद देंगे, और टेलीफोनिक भी धन्यवाद दे चुके हैं, और आपके पूरे तमाम चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद देंगे। दादा, लेकिन ये हवा चल रहा है सोशल मीडिया में कि अमित महतो से ये भी टिकट मांग रहे हैं। ठीक है, अगर वे आएंगे तो स्वागत है, आए आने दीजिए, स्वागत है, अच्छे व्यक्ति हैं भाई, लड़े हैं। और हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे दादा, इरफान गोविंद माता गिरिडीह में जाके खुलेआम सपोर्ट करते हैं, रांची में क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं, उस समय शायद वो क्षेत्र में नहीं थे, क्षेत्र में नहीं थे, मेरे भी वहाँ नहीं आए, वो सिर्फ सोशल मीडिया में ही किए थे जो। हाँ, आपका क्या सवाल था?